हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास है, क्योंकि देखिए जो आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं हर एक सब्जेक्ट की पेपर 1 एंड पेपर 2 की वो मैं कम्प्लीट करवा चुकी हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज के इस वीडियो में हम आपका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आपके सिलेबस में 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट पर मैं 8 वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रोवाइड करूंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपके यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 से पूछे जाएंगे वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। जितने भी टॉपिक आपके हैं सब हम आज की वीडियो में देख लेंगे और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। और जो आपके देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन पर अलग से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में जो नॉवल दी गई है उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उन पर मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपका यही पेपर होने वाला है ब्रिटिश अमेरिकन एंड पॉपुलर इंडियन फिक्शन, क्योंकि एनएपी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द प्लॉट। देखो प्लॉट क्या होता है इस पर क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछेगा और जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे वो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो प्लॉट क्या होता है ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आप 4 सेमेस्टर तक पढ़ते आ चुके हैं हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर ये शॉर्ट में पूछ दे तो आप कैसे लिखेंगे? ये प्लॉट इज़ ए नरेटिव ऑफ इवेंट्स। देखो नरेटिव मतलब होता है कथानक, इवेंट्स मतलब घटनाओं का, तो एक कथानक घटनाओं की एक कथा होती है। द इम्फेसाइज फॉलिंग ऑन कैजुअलिटी, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज़ ए प्लॉट। देखो प्लॉट क्या होता है जिसमें राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रानी की दुख से मृत्यु हो जाए अगर, तो इसी चीज़ पर जोर दिया जाता है, तो ये क्या होता है ये प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब होता है कि इसकी स्टोरी देखो यहाँ से अगर शुरू हो रही है तो एक सीक्वेंस में जितने भी घटनाएं स्टोरी में हो रही हैं फिर यहाँ पर आकर स्टोरी एंड हो जाती है, तो एक सीक्वेंस में जितने भी इवेंट्स होते हैं स्टोरी के अंदर नॉवेल के अंदर वो प्लॉट कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वैसे भी क्लासेस करा दी है तो आपको परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट के काइंड्स क्या हैं? देखो वेरी शॉर्ट में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लॉट्स के काइंड्स यानी प्रकार कितने हैं, तो इसका आंसर होगा आपका नॉवेल्स प्लॉट में बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। नॉवेल का जो प्लॉट होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट है ए सिंपल प्लॉट एंड सेकेंड है ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट, यानी कि एक सिंपल प्लॉट होता है जो बहुत ही सिंपल होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है किसी भी नॉवेल का। थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट, प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो ये तो सबसे पहले ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा चुकी हूँ। देखो प्लॉट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ना द पार्ट्स ऑफ द प्लॉट्स आर एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब स्टार्ट होना शुरू होना, राइजिंग एक्शन क्लाइमैक्स फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। देखो किसी भी स्टोरी नॉवेल के प्लॉट में क्या होता है, देखो एक्सपोजिशन राइजिंग एक्शन क्लाइमैक्स फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन, ये 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं 5 स्ट्रक्चर से मिल करके प्लॉट बनता है। एक्सपोजिशन का मतलब स्टोरी की शुरुआत होना, राइजिंग एक्शन जब स्टोरी चलते चलते आप देखेंगे कि सभी के बारे में इंट्रोड्यूस होता है, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी शुरू होती है फिर सभी कैरेक्टर्स से आप लोग इंट्रोड्यूस होते हैं कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है कौन विलेन है कौन किसके फैमिली के लोग हैं सभी के बारे में आप जानते हैं, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। और जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है तो 3रा स्टेज आता है क्लाइमैक्स का,
क्लाइमेक्स में क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन हीरो या हीरोइन होता है, वो स्ट्रगल करता है, क्लाइमेक्स होता है। आप देखेंगे कि विलन जो होता है किसी भी स्टोरी के अंदर, उसकी हमेशा से यही इच्छा होती है कि वो हमेशा मेन कैरेक्टर हीरो को क्या करे, तकलीफ़ पहुँचाए। तो इस तरह की भावना विलेन के अंदर होती है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है उसके लिए क्लाइमैक्स होता है, वो स्ट्रगल करता है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसा देखा होगा मूवी में कि अरे जब हीरो और हीरोइन एक साथ खुश रहने लगते हैं तो विलेन को देखा नहीं जाता, वो हीरोइन को अगवा कर लेता है। तो अब क्या है कि हीरो के लाइफ में क्या है, बड़ी समस्या सामने आ गई। तो वो विलेन से लड़ता है, झगड़ता है, क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद जा करके सब कुछ सही हो जाता है। तो फॉलिंग एक्शन होता है, मतलब स्टोरी एंडिंग की तरफ चल रही है। यहाँ पर आते आते इस स्टेज पर आते आते फॉलिंग एक्शन वाले सब कुछ सही हो जाता है सबके ज़िंदगी में, और फिर रिजोल्यूशन यानी कि एंड हो जाता है स्टोरी का। तो इस तरह से कोई भी स्टोरी में 5 ये मेन इवेंट्स होते हैं, प्लॉट यही होता है, मतलब इन्हीं 5 इवेंट्स से मिल करके प्लॉट बनता है। तो आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लॉट, प्लॉट का फंक्शन क्या है। देखिए मैं बार बार कहूँगी कि आप हमारी पूरी वीडियोस अगर देखेंगे जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर भी होगी या फिर जिनके सब्जेक्टिव दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। पूरी वीडियो देखने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है वो आपको पता होता है और आप इजीली उसका आंसर लिख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है प्लॉट का, तो देखो प्लॉट्स फंक्शन इज़ नॉट ओनली सिंपल। प्लॉट का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो केवल सिंपल नहीं है, आसान नहीं है, बट आल्सो इशेंशियल। इशेंशियल मतलब होता है आवश्यक होना, ज़रूरी होना, बल्कि ये ज़रूरी भी है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, ये देखो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, बिल्ड्स टेंशन एंड एक्साइटमेंट एंड कीप्स द रीडर एंगेज्ड। देखो जो प्लॉट होता है उसका फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है, वो स्टोरी में क्या क्या चीज़ें करता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो प्लॉट ही तो सब कुछ है। जब कोई राइटर स्टोरी लिखने के बारे में, नॉवेल लिखने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले वो उसका प्लॉट तैयार करता है कि स्टोरी में पूरी इवेंट्स क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें स्टोरी के अंदर होंगी, कितने कैरेक्टर्स होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो प्लॉट होता है उसका पहला कार्य ये है कि ये स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आ गई, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। एंड ये बिल्ड टेंशन, मतलब ये टेंशन को भी क्रिएट करता है स्टोरी के अंदर। देखो अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, मेन हीरो या हीरोइन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जो पढ़ने वाला रीडर होता है वो क्या होता है, परेशान हो जाता है, वो थोड़ा टेंशन उसके अंदर हो जाती है कि अरे अब आगे स्टोरी में क्या होगा। तो प्लॉट क्या करता है, टेंशन को भी क्रिएट करता है एंड एक्साइटमेंट भी लेकर आता है रीडर के माइंड में कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से। एंड कीप्स द रीडर एंगेज्ड, और रीडर को यानी पाठक को, आप पढ़ने वाले हैं तो आप रीडर कह जाएंगे, तो अपने आप से बांधे रखता है, जोड़े रखता है स्टोरी। आप इसी तरह से पूरी स्टोरी पढ़ जाते हैं, मतलब इस तरह की एक्साइटमेंट राइटर लिख देता है कि पढ़ने वाले को आगे क्या होगा, क्या होगा, यही सोच कर पूरा स्टोरी पढ़ डालता है। जैसे अगर आप लोग कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, अरे आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है। तो आप इससे क्या करते हैं कि पूरी जो मूवी होती है या ड्रामा होता है आप देख डालते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं प्लॉट के फंक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटेन इन शॉर्ट अबाउट कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो। देखो कैरेक्टराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये किसी भी स्टोरी नॉवेल का एक मेन एलिमेंट होता है। विदाउट कैरेक्टराइजेशन कोई भी स्टोरी हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कैरेक्टर्स का होना। जब भी कोई राइटर स्टोरी लिखता है उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर ज़रूर होता है। जैसे आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा सोफोक्लीस का ट्रेजेडी ओडिपस रेक्स। तो ओडिपस क्या है, मेन कैरेक्टर है। और आपने डॉलर बहू पढ़ा, उसमें आपने कैरेक्टर्स देखे, तो इस तरह से वो कैरेक्टर्स के बिना स्टोरी हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट एंड प्रिंसिपली द कैरेक्टराइजेशन शुड बी गुड। तो सबसे पहले, फर्स्ट एंड प्रिंसिपली, सबसे पहले और मुख्य रूप से कैरेक्टराइजेशन शुड बी गुड। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए स्टोरी के अंदर या नॉवल के अंदर। प्रोप्राइटी इज़ द सेकेंड रिक्वेस्टेड ऑफ द कैरेक्टर्स।
देखो प्रोपरेटरी मतलब होता है औचित्य, तो औचित्य जो होता है सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर में, एंड थर्ड रिजेम्बलेंस, और थर्ड होती है समानता, एंड फोर्थ इज इंफॉर्मिटी, और चौथी होती है सूचना। तो ये चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टर के बिना देखो स्टोरी हो ही नहीं सकती, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। देखो द फाइव फीचर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशंस, देखो कैरेक्टराइजेशन के पांच फीचर्स हैं। फर्स्ट है फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि शारीरिक विवरण, सेकेंड है एक्शन इनर थॉट, सेकेंड है एक्शन यानी कि क्रिया, थर्ड है इनर थॉट्स यानी कि आंतरिक विचार, फोर्थ है रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रियाएँ, एंड फाइव है स्पीच। तो ये पांच महत्वपूर्ण फीचर्स कैरेक्टराइजेशन के हैं। देखो कैरेक्टराइजेशन जो मेन कैरेक्टर स्टोरी के अंदर होता है, ये सारे फीचर्स उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। कैरेक्टराइजेशन से ये बात याद रखिएगा, जो स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। देखिए कैरेक्टराइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज क्योंकि ऑथर्स रैली ऑन, ऑथर्स भरोसा रखता है ऑन दिस डिवाइस, इस डिवाइस पर, रैली का मतलब भरोसा रखना, इस डिवाइस पर, डिवाइस का मतलब कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है, टू क्रिएट फंक्शनल एंड सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। तो ऑथर्स देखो यकीन रखता है इस डिवाइस पर, किस लिए, क्रिएट करने के लिए एक फंक्शनल एंड सिग्निफिकेंट कैरेक्टर को। तो इसलिए कैरेक्टराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है किसी भी नॉवेल या स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के मेन टाइप्स क्या क्या हैं। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, यहाँ पर दो मेजर टाइप हैं, प्रकार हैं कैरेक्टराइजेशन के, कॉमनली यूज इन वर्क्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं वर्क्स में, एक है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन एंड सेकेंड है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। तो यही दो तरह के कैरेक्टराइजेशन सामान्य रूप से किसी भी लिटरेचर के वर्क में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बाय चौसर। देखो चौसर के द्वारा कैरेक्टराइजेशन का आर्ट क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो चौसर बहुत ही फेमस पोइट रह चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपके लिए ये ज़रूरी है। हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज स्पेशली मार्क्ड बाय थ्री थिंग्स, नेमली रियलिज्म, टाइप्स एंड इंडिविजुअल्स, एंड वीट एंड ह्यूमर्स। देखो हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज स्पेशली मार्क्ड बाय थ्री थिंग्स, देखो जो उनकी कला है वो स्पेशली तीन चीज़ों द्वारा मार्क की जा चुकी है, चिन्हित की जा चुकी है, जिनका नाम है रियलिज्म यानी यथार्थवाद, और सेकेंड है टाइप्स एंड इंडिविजुअल्स, दूसरा है आपका प्रकार और व्यक्ति, तथा थर्ड है वीट एंड ह्यूमर, बुद्धि और हास्य। तो ये थ्री टाइप के कैरेक्टराइजेशन हैं अकॉर्डिंग टू चौसर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ कैरेक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट टू द थीम, वाई इज़ कैरेक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट, कैरेक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है टू थीम, थीम के लिए। देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, इन ए लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक वर्क में कैरेक्टराइजेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट, कैरेक्टराइजेशन योगदान दे सकता है टू थीम बाई प्रोवाइडिंग डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, टू द टॉपिक ऑफ, टॉपिक द थीम इज़ रिलेटेड टू। देखो इसका मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड कोई थीम है तो उसकी गहराई प्रदान करना, उसको गहराई प्रदान करना कैरेक्टराइजेशन का एक समझ लो काम होता है, क्योंकि कोई भी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स ही होता है जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है, स्टोरी को नरेट करता है, और कोई ना कोई इवेंट्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स के ही इर्द गिर्द स्टोरी में होते रहते हैं, तो उसकी थीम को गहराई तक ले जाने का काम कैरेक्टर का ही होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नरेटिव टेक्निक। देखिए नरेटिव टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट में। देखिए नरेटिव टेक्निक क्या होता है, ये मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ, और आप देखेंगे आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 2 है
ये इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे जो अभी तक आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक पढ़ चुके हो इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। और जो आपके इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर वन है उसकी जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एंड जो महासंग्राम रिवीजन क्लास एग्जाम 2024-25 के लिए है वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों में कोई भी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में भी होगा तो उसके साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ कराई जा रही हैं। चलिए तो नरेटिव टेक्निक को देखते हैं। नरेटिव टेक्निक इज़ ए मेथड एंड लिटरेरी डिवाइस ए राइटर यूजेस टू क्राफ्ट द एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी। ए नरेटिव टेक्निक इज़ अ मेथड, ये मेथड होता है और एक लिटरेरी डिवाइस होता है, ए राइटर यूज़ करता है अपने स्टोरी के अंदर, ये स्टोरी का एलिमेंट होता है। देखो आप लोग जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, तो वही नरेटिव टेक्निक यहाँ पर भी आपसे पढ़ने को कह रहा है। यही क्वेश्चन आपका है नरेटिव टेक्निक का। देखो नरेटिव टेक्निक क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसको राइटर अपने स्टोरी में यूज़ करता है और अपने रीडर से, अपने ऑडियंस से डायरेक्ट किस तरीके से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है वो बताता है, वो डायरेक्ट अपने रीडर से बात करता है, मतलब उसके बात करने की जो टेक्निक होगी वो किस तरह की होगी। आप देखेंगे स्टोरी में फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन नरेटिव टेक्निक। मेन नरेटिव टेक्निक क्या क्या है, तो देखो नरेटिव टेक्निक इन ए प्लॉट इंक्लूड्स, जो प्लॉट में नरेटिव टेक्निक होता है वो इंक्लूड करता है, शामिल करता है बैक स्टोरी को, यानी पृष्ठभूमि की कहानी, मतलब ये मतलब जो पूरी स्टोरी है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। सेकेंड आपका हो गया फ्लैशबैक, यानी कि स्मरण करना। आप देखोगे राइट मतलब जो मेन कैरेक्टर होगा या फिर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर स्टोरी या नॉवेल के अंदर होते हैं जो पहले हो चुकी घटनाओं को सोचते हैं पीछे जा करके, वो फ्लैशबैक होता है। थर्ड है फ्लैश फॉरवर्ड, यानी कि झलक मतलब आगे की झलक होती है। एंड फोर्थ है फोर शेडोइंग, इसका मतलब होता है आगे क्या होगा उसका पूर्वाभास हो जाता है, मतलब रीडर को मतलब राइटर अपने स्टोरी में ऐसा कुछ हिंट दे देता है जिससे रीडर को ये पता चल जाता है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें आपको बीच में ही समझ में आ जाएगा, देखना वीडियो मतलब इस मूवी की एंडिंग में ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि आपको ना हिंट दे दिया जाता है और वही हिंट होती है फोर शेडोइंग। तो याद रखिएगा ऐसा ये जो एलिमेंट है लिटरेरी, ये राइटर भी अपने वर्क्स में यूज़ करता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ए नॉवेल। एक नॉवेल का मेन पर्पज़ क्या है, ए नॉवेल इज़ ए पीस ऑफ लॉन्ग नरेटिव इन लिटरेरी प्रोज। ए नॉवेल इज़ ए पीस ऑफ लॉन्ग नरेटिव इन लिटरेरी प्रोज, एक उपन्यास, नॉवेल मतलब उपन्यास, पीस है लॉन्ग नरेटिव लंबी कथानक का साहित्यिक गद्य में। देखो नरेटिव का मतलब होता है कथानक, तो एक नॉवेल साहित्यिक गद्य में लंबी कथा का एक टुकड़ा होता है। नरेटिव प्रोज इज़ मीन टू एंटरटेन एंड टेल ए स्टोरी, और नरेटिव प्रोज का मतलब होता है एंटरटेन करना, मनोरंजन करना एंड टेल ए स्टोरी और कहानी बताना, क्योंकि आप जब कोई नॉवेल पढ़ते हैं उसमें आपको मज़ा भी आता है, आप एंटरटेन भी होते हैं एंड आपको स्टोरी भी पता चलती है, तो इसका मतलब यही होता है, इसका पर्पज़ यही होता है। तो नॉवेल वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉप लेवल का आपका क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। व्हाट आर द नरेटिव टेक्निक्स इन स्टाइल, स्टाइल मतलब शैली, तो शैली में नरेटिव टेक्निक क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देखो स्टाइल रिफर्स टू द वे ए राइटर टेल ए स्टोरी, जो शैली होती है वो रिफ़र करती है, संदर्भित करती है एक वे को, एक तरीके को कि राइटर कैसे अपनी स्टोरी को कहेगा, क्योंकि नरेटिव टेक्निक में राइटर क्या करता है अपने स्टोरी को बताने का तरीका ढूंढता है, किस वे में वो अपने रीडर से बात करेगा। सम राइटिंग टेक्निक्स एसोसिएटेड विद स्टाइल्स आर मेटाफर्स, शैली से जुड़ी कुछ लेखक तकनीकें होती हैं जिसमें मेटाफर है, ये सारे आप देखेंगे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच हैं।
इन सभी का यूज़ करके राइटर अपनी टेक्निक बनाता है। सिमिलीज होता है, हाइपरबोल्स भी है, इमेजिनरी है, एलिटरेशन है एंड पर्सोनिफिकेशन है। ये सारे कुछ स्टाइल हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनका यूज़ राइटर अपनी नरेटिव टेक्निक इन स्टाइल में करता है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए नॉवल। एक नॉवल का एलिमेंट्स क्या है, नॉवल के तत्व क्या क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। एलिमेंट्स क्या हैं नॉवल के, द एलिमेंट्स ऑफ ए नॉवल इंक्लूड। देखो एलिमेंट मतलब तत्व, नॉवल के तत्व होते हैं, नॉवल के तत्व में शामिल हैं प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट्स, कैरेक्टर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, द थीम। सबसे पहला तो प्लॉट होगा, क्योंकि बिना प्लॉट के कोई भी राइटर नॉवेल नहीं लिख सकता। सेकेंड होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष होना, मेन कैरेक्टर के लाइफ में संघर्ष होगा, इसमें कैरेक्टर भी ज़रूर होंगे, बिना कैरेक्टर नॉवेल नहीं लिखा जा सकता। एलिमेंट का मतलब होता है कि इसको लिखने के लिए किन किन एलिमेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले राइटर प्लॉट रेडी करेगा, मेन कैरेक्टर के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर होने चाहिए। सेटिंग होती है मतलब कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और कोई ना कोई थीम ज़रूर होती है। इन सब चीज़ों के बिना कोई नॉवेल हो ही नहीं सकता। दे आर एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क फॉर द राइटर टू टेल देयर स्टोरी। ये राइटर को एक फ्रेमवर्क यानी एक रूपरेखा प्रदान करते हैं अपनी स्टोरी कहने के लिए, क्योंकि बिना प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर, सेटिंग, थीम के कोई नॉवेल हो नहीं सकता। और जब ये सब चीज़ें होंगी तभी इन्हीं का यूज़ करके राइटर अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉवेल। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है नॉवेल के। कैरेक्टर इज परहैप्स, जो कैरेक्टर होता है नॉवेल के अंदर वो शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी नॉवेल का। एज थिंग मस्ट हैपन टू समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस ए स्टोरी। जैसे किसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होंगी, जो भी इवेंट्स होंगे, तो किसी न किसी के साथ ही तो घटित होंगे, बिना कैरेक्टर के कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। अगर देखो कोई कहानी है उसमें कोई कैरेक्टर ही ना हो, जैसे अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो अब कैरेक्टर है ही नहीं। अब जैसे आपने मैकबेथ पढ़ा, तो मैकबेथ में भी बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स देखे, तो मैकबेथ में अगर नहीं होते ये सारे, या आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, तो उसमें नहीं होते तो कैसे कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटनाएँ हो पाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है नॉवेल का वो कैरेक्टर है, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द घटनाएं होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है एग्ज़ाम 2025 के लिए। इससे बाहर आपका कुछ आने नहीं वाला है। यूनिट नंबर 1 से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और आपकी जो अभी 7 यूनिट्स बची हैं उन पर भी मैं वीडियोज़, देखो 7 यूनिट्स में से ना मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जैसे कि डॉलर बहू पे मैंने कर दिया है, एंड चार्ल्स डिकेंस का जो एस्से है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, उस पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो नॉवेल है वो पढ़ा दिया है, थीम है वो करा दिया है, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।